नमस्कार। आज की वीडियो में हम एक फ़ोटो को ब्लैक एंड वाइट से कलर्ड की तरफ कन्वर्ट करेंगे, जिसमें से वो स्लोली स्लोली कलर्ड में कन्वर्ट दिखाई देगी। तो उसके लिए हमने करना क्या है कि एक इमेज लेनी, उसकी इमेज लेने के बाद उसकी एक कॉपी लेनी है। कॉपी लेनी इसलिए क्योंकि ताकि हमारी मेन लेयर पर कोई इफेक्ट ना पड़े, ठीक है। तो उसके बाद हमने करना क्या है, सबसे पहले मार्कर टूल लेना है, रेक्टेंगुलर मार्कर टूल, और उसके बाद इमेज की एक हाफ सिलेक्शन कर लेनी है। हाफ सिलेक्शन करने के बाद हमने करना क्या है कि हमने सिलेक्ट में जाना है, ठीक है, ये ऑप्शन है। सिलेक्ट में जाने के बाद आपको मॉडिफाइड में जाने के बाद फैदर, जिसकी शॉर्टकट मानो शिफ्ट F6, ठीक है, उसकी मदद से ये आप पोर्शन को हम कंट्रोल जे कर देंगे। फैदर हमने 50% दिया है ताकि वो आधा रेज हो जाए, ताकि वो शेड अच्छे से मिल सके हमें। उसके बाद हमने करना है कि लेयर में जाना है, लेयर में जाने के बाद कंट्रोल जे करना है, तो ये हमारी उस इमेज की एक कॉपी निकल आएगी, ठीक है। उसके बाद इमेज में जाने के बाद एडजस्टमेंट में नीचे जाने के डिसेचुरेट करना है, जिसकी शॉर्टकट कमांड है कंट्रोल शिफ्ट U, ठीक है। तो ये हमारी इमेज ब्लैक से धीरे धीरे कलर में कन्वर्ट होगी और कलर से ब्लैक में धीरे धीरे कन्वर्ट होगी। तो फाइनल आउटपुट कुछ हमारा इस तरह दिखाई देगा।